News 18, India. एक और ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है। दिल्ली और हरियाणा के बॉर्डर पर प्रदर्शन का साइड इफेक्ट दिखाई दे रहा है और वो भी समझना जरूरी है किस तरीके से साइड इफेक्ट है। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर लोगों को भारी जाम का सामना करना पड़ रहा है। दफ्तर जाने के समय पर गाजीपुर बॉर्डर पर भारी जाम लगा हुआ है। गाड़ियां रिंग रिंग कर चलने को मजबूर है। लोग अपनी मंजिलों तक जाने के लिए लंबा इंतजार कर रहे हैं, ट्रैफिक में फंसे हैं, किसी को लंबा रूट लेना पड़ रहा है और ऐसे में अब दिल्ली और हरियाणा के बॉर्डर पर प्रदर्शन का साइड इफेक्ट चौतरफा दिखाई दे रहा है। दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर जाम की जहां तक नजरें दौड़ाइए, बस थमी हुई गाड़ियों की रफ्तार दिखाई देगी, वहीं गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें दूसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं। तो गाजीपुर बॉर्डर पर ये जो असर आप देख रहे हैं वो लाखों लोगों की जिंदगियों पर असर डाल रहा है, क्योंकि जॉब्स पर जाने वाले लोग समय से अपने ड्यूटी पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। हम सीधा हमारे सहयोगी जावेद हमारे साथ बने हुए हैं, जावेद का रुख कर लेंगे। जावेद, ये जो दिल्ली कूच का नारा है उसका असर जहां आप मौजूद है वहां दिखाई दे रहा है क्या? देखिए, जहां मैं मौजूद हूं आईटीओ पर, यहां से करीब 225 किलोमीटर दूर शंभू बॉर्डर है। किसान अभी वहां जुटे, लेकिन उसका असर और तैयारियां आईटीओ पर दिखाई दे रही हैं। दिल्ली पुलिस ने अपनी पूरी तैयारी की है कि अगर परिस्थितियां वैसी बनती हैं कि दिल्ली तक पहुंच जाते हैं किसान, तो उसकी तैयारियां भरपूर रहे। आदमकद यहाँ पर बैरिकेड्स लगाए गए हैं। ऐसे बैरिकेड्स आमतौर पर दिल्ली में नहीं दिखाई देते हैं। और आपको सिंघू बॉर्डर पर आपने तस्वीर देखी होंगी कंटेनर्स की, ये कंटेनर्स भी यहाँ आईटीओ पर रखे गए हैं कि अगर ज़रूरत पड़े तो इनका इस्तेमाल किया जा सके। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं यहाँ कंटेनर्स भी रखे गए हैं, बड़े बड़े डंपर्स रखे खड़े किए गए हैं ताकि उस रास्ते को रोका जा सके। देखिए, हमें नहीं भूलना है जब पिछली बार किसान आईटीओ तक पहुँच गए थे तो किस बड़े पैमाने पर आमना सामना दिल्ली पुलिस और किसानों के बीच में हुआ था। तो वो तैयारियां और कोई भी रिस्क इस बार दिल्ली पुलिस नहीं लेना चाहती है, लिहाजा आईटीओ पर पूरी तैयारियां की गई हैं और ये जगह जगह उस रूट पर तैयारियां देखने को मिल रही हैं जो किसानों के दिल्ली पहुंचने का रास्ता है। हम आईटीओ पर अगर अभी ट्रैफिक की स्थिति दिखाएं, आमतौर पर ट्रैफिक रोजमर्रा की तरह है, लेकिन यहाँ पर सड़क के किनारे डंपर खड़े हैं, क्रेन खड़ी है और कंटेनर्स लगाए गए हैं, तो हल्का फुल्का जो स्लो होता है वो यहाँ पर दिख रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा उसका असर तो नहीं है। लेकिन तैयारियाँ भरपूर यहाँ पर पुलिस की हैं। पुलिस का जो इस बार रुख नज़र आ रहा है, जिस तरह से हमने सुना सिंघू बॉर्डर पर भी पुलिस ये कह रही है कि इस बार ऑफेंसिव होना है, मतलब कोई भी कोताही नहीं बरतनी दी जाएगी और कोई उनको सेफ पैसेज किसानों को नहीं दिया जाएगा। और ज्यादा है जावेद, रही हमारे साथ दीपक बिष्ट से, हम हाल जानते हैं गाजीपुर बॉर्डर पर। दीपक बिष्ट हमारे साथ मौजूद है। दीपक, गाजीपुर बॉर्डर पर इस वक्त क्या स्थिति है? 11 बजने को है, क्या अभी भी लोगों को जैम से निजात नहीं मिली है? देखिए, अभी भी उसी तरह की स्थिति बनी हुई है। मैं दिखाऊंगा, जो जैम सुबह तकरीबन 8 बजे के आसपास लगना शुरू हुआ था और अब 11 बजने का समय है और तकरीबन 3 घंटे से जो लोग हैं यूपी के मेरठ या फिर यूपी के अलग अलग हिस्सों से दिल्ली में एंट्री करते हैं, उन्हें जाम की तस्वीर देखने को मिलेगी और जाम में फंसना इस वक्त लोगों को पड़ रहा है। आप दूर तक देखेंगे तकरीबन 1.5 किलोमीटर से लंबा जाम ये नेशनल हाईवे 9 पर लगा हुआ है और लोगों का जो समय होता है सुबह 8 से 10 बजे का बीच जो समय दफ्तर आने का होता है, लेकिन इस जैम की वजह से अब लोगों को अपना तकरीबन आधे से 1 घंटा ज़्यादा समय लग रहा है और ये स्थिति सुबह से बनी हुई है और हम यहाँ पर लगातार नज़र रख रहे हैं क्योंकि किसानों के आने की मूवमेंट को देखते हुए यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेज और नाकेबंदी दिल्ली। और एक और ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, सरकार और किसानों के बीच 5वीं बैठक हो सकती है। सूत्रों के हवाले से खबर ये आ रही है कि आज ही 5वें दौर की बैठक हो सकती है, किसानों को आज ही मिल सकता है अगली मीटिंग का समय भी। तो एक और ब्रेकिंग न्यूज आपको बताएं, सरकार और किसानों के बीच 5वीं बैठक हो सकती है और आज ही ये बैठक हो सकती है। आपको बताएं, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है, सरकार की पूरी पूरी कोशिश है किसानों को मना लिया जाए या उनकी टर्म्स एंड जो कंडीशंस हैं किस तरीके से नेगोशिएट करना है इस मीटिंग के जरिए समाधान निकाला जाए। 5वीं बार ये बैठक हो सकती है, इससे पहले सरकार और किसानों की 4 बार बैठक हो चुकी है। सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है कि आज ही 5वीं दौर की ये मीटिंग हो सकती है, किसानों को आज ही अगली मीटिंग का समय भी दिया जा सकता है। सरकार और किसानों के बीच 5वीं बैठक से हल निकालने की कोशिश हो रही है क्योंकि किसान दिन पर दिन और ज्यादा अग्रेसिव होते चले जा रहे हैं और शंभू बॉर्डर पर जिस तरीके से हमारे सहयोगी जो है वो चप्पे चप्पे पर मौजूद हैं और तमाम जो किसान हैं वो और अग्रेसिव हो रहे हैं और ऐसे में इस अग्रेशन का क्या असर देखने को मिलेगा, हम सीधा रुख करेंगे मानव का। मानव, आज ही 5वीं बैठक संभव बताई जा रही है किसानों और सरकार के बीच में, क्या उम्मीद दिखाई दे रही है, क्या हल निकल सकता है, मानेंगे किसान? बिल्कुल, देखिए 5वीं बैठक हो सकती है शाम को आज चंडीगढ़ में, लेकिन उससे पहले यहाँ पर मैं आपको ताजा अपडेट दे देता हूँ। हरियाणा पुलिस की तरफ से एक बार
जोरदार आंसू गैस यहाँ पर छोड़ना शुरू कर दिया गया है। हाँ। ये ताजा अपडेट है यहाँ से, और अब सीधा तस्वीर आपको शंभू बॉर्डर से दिखा रहे हैं। बैठक अगर हो तो सब यही चाहते हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से कोई समाधान निकले, लेकिन बैठक शाम को होनी है, लेकिन उससे पहले यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि आंसू गैस छोड़ी गई है, क्योंकि किसान लगातार आगे बढ़ने पर आमादा है, उनको दिल्ली कूच करना है, इसलिए यहाँ पर अब हरियाणा पुलिस की तरफ से आंसू गैस आपको छोड़ा गया है, थोड़ा विराम दिया गया है, और अब हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि किसान थोड़ा सा भागने यहाँ पर भागते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जिस बैठक की हम बात कर रहे हैं वो सूत्रों के हवाले से जानकारी जरूर आई है, और क्योंकि 11 बजे के आसपास दिल्ली कूच शुरू होना था, अगर बैठक होती है तो शायद शांतिपूर्ण तरीके से कोई समाधान निकले, जैसा कि हाँ, लेकिन रवैया कुछ और किसानों का दिखाई दे रहा है मानो हमें। लेकिन न्यूज 18 के पास ये जानकारी है कि सरकार का बड़े से बड़ा नेता समाधान निकालने की कोशिश कर रहा है, और उस समाधान का ही ये कदम अब देख पा रहे हैं हम कि पांचवी बड़ी मीटिंग होने वाली है। लेकिन ऐसे में क्या किसानों को नहीं चाहिए कि सरकार की भी बात सुने? देखिए, शायद किसान सरकार की बात सुन रहे हैं, शायद इसीलिए अब तक चार दौर की बैठकें हो चुकी हैं, और हमने देखा कि जब तीसरी और चौथी बैठक हुई थी तो उस दौरान किसानों की तरफ से भी और हरियाणा पुलिस की तरफ से भी, जितने भी जो प्रशासन के लोग हैं उन सभी लोगों की तरफ से संयम काफी बरता गया था। और चौथी बैठक जब हुई तो उसमें सरकार ने बकायदा एक प्रस्ताव किसानों को दिया, किसान उस प्रस्ताव से खुश नहीं हुए, तो सरकार से बातचीत होनी चाहिए, लेकिन बातचीत के लिए किसानों ने 21 फरवरी सुबह 11 बजे तक का समय मुकर्रर किया था, और अब वो समय आ चुका है। किसान अभी भी ये कह रहे हैं कि सरकार हमसे बातचीत करती है तो हम बातचीत करने जाएंगे, हम अपने प्रोटेस्ट को यहीं पर स्टैंड बाय करेंगे, यहीं पर रोकेंगे, और जब तक बातचीत से समाधान नहीं निकलेगा हम आगे नहीं बढ़ेंगे। लेकिन क्योंकि एक डेडलाइन थी सुबह 11 बजे की 21 तारीख की, वो डेडलाइन अब पूरी हो गई है, तो अब किसान शायद दिल्ली कूच करें। लेकिन अगर इसी बीच अगर बैठक की खबर आती है तो ये आंदोलन आज यहीं पर एक तरीके से स्टैंड बाय मोड में। तस्वीरें एक तरफ हम दिखा रहे हैं तो सरकार बातचीत के लिए तैयार है, सरकार की तरफ से ही बार बार बातचीत का प्रस्ताव आया, पांचवें दौर की बैठक होगी, और इससे यह समझा जा सकता है कि तीन तीन केंद्रीय मंत्री बैठक में मौजूद रहते हैं। सरकार समाधान चाहती है, और सरकार ने हमेशा कहा है, चाहे हम कृषि मंत्री की बात करें, वो कह रहे हैं कि सरकार के दरवाजे हमेशा खुले हैं और कोई भी समाधान हो सकता है, लेकिन समाधान तभी निकलेगा जब चर्चा होगी, जब संवाद होगा। और इस बीच दिल्ली कूच का ऐलान किसानों की तरफ से किया गया, ये शंभू बॉर्डर से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, और स्थिति ज्यादा ना बिगड़े, स्थिति नियंत्रण में रहे, क्योंकि किसानों को यह समझना चाहिए कि उनका संवैधानिक कर्तव्य भी है देश के प्रति भी। ऐसे में जो पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने कल चिंता व्यक्त की थी कि अगर विरोध का अधिकार है, किसानों को विरोध करना है तो वो दिल्ली जाए, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से विरोध होना चाहिए, बस के जरिए वो दिल्ली जाए, ऐसे जेसीबी पोकलैन और ट्रैक्टर ट्रॉलियों को इकट्ठा नहीं करना चाहिए। मानव लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मानव, सरकार का रवैया इसको लेकर के हमेशा से सकारात्मक रहा है, पांचवें दौर की बातचीत होने वाली है, और कैसी भी स्थिति हो ये सरकार की तरफ से साफ किया गया है कि संवाद के जरिए ही समाधान निकलेगा। बिल्कुल, देखिए अर्जुन मुंडा का बयान हमने सुना है, उसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि शांतिपूर्ण तरीके से बातचीत होनी चाहिए और कोई हिंसा नहीं होनी चाहिए, और ये बात किसान नेता भी यहाँ पर कह रहे हैं। लेकिन अब हालात यहाँ पर थोड़े से खराब जरूर हुए हैं, पुलिस की तरफ से यहाँ पर मैं ड्रोन देख पा रहा हूँ जो आंसू गैस के गोले छोड़ रहा है, तो दूसरी तरफ एक बड़ी सी गाड़ी है उसके ऊपर सरवन सिंह पंडेर को मैं देख पा रहा हूँ। युगल कोशिश करिएगा वो तस्वीरें दिखाने की जहाँ से किसान नेता कह रहे हैं कि भीड़ पीछे जाए, वो आगे बढ़ने से मना करते हुए इशारा करते हुए दिखाई यहाँ पर दे रहे हैं। लेकिन अगर बैठक होती है तो हम भी यही चाहते हैं कि बैठक हो, सरकार किसानों से बातचीत करे, किसान भी सरकार से बातचीत करे, क्योंकि दोनों ओर से अभी तक बातचीत हुई है, इसलिए हम अभी तक यहाँ तक पहुँच पाए हैं। कहीं ना कहीं एक 5 फसलों पर एमएसपी गारंटी का प्रस्ताव भी आया, तो कुछ तो हुआ था, कोई ना कोई चीज आपके हाथ लगी थी किसानों के। आप खुश हो सकते हैं, उससे नाराज हो सकते हैं, लेकिन हिंसा किसी चीज का समाधान नहीं है, ये बात किसान नेता भी यहाँ पर कह रहे हैं, ये बात यहाँ पर सरकार की तरफ से भी लगातार की जा रही है। लेकिन जो तस्वीर हम देख रहे हैं वो कुछ और ही बयां करती है, वो तस्वीर इसलिए हम ये बहुत जरूरी है क्योंकि एक तरफ दिल्ली कूच की कॉल यहाँ पर किसानों की है, तो दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि उधर से गोले चल रहे हैं हरियाणा पुलिस की तरफ से, तो यहाँ पर भी पूरी तैयारी है कि आंसू गैस के गोले से कैसे बचा जाएगा, नदी को कैसे पार करना है, तो ये सारी तस्वीरें अपने आप में अलग है। जरूरत क्यों पड़ेगी मानव आप, क्योंकि तमाम किसानों के बीच में मौजूद है, उनका मूड भांप पा रहे हैं। एक तरफ हम गवर्नमेंट की सीरियसनेस देख रहे हैं कि सरकार बार बार इनिशिएटिव ले रही है, सरकार बार बार बातचीत करने के समाधान निकालने की कोशिश कर रही है, ऐसे में बताइए कि इस वक्त जब आप वहां मौजूद हैं क्या मूड भांप पा रहे हैं आप किसानों का? देखिए, जब किसानों से बातचीत करते हैं, हमने कई बहुत सारे किसानों से उनका मूड समझने की कोशिश की, तो किसान ये कहते हैं कि जो 11-12 हमारी मांग है, जो हमने अपने कागज तैयार किया है, वो हमारी मांग नहीं है, उसमें ज्यादातर वो चीजें हैं जिस पर केंद्र सरकार 2 साल पहले राजी हो गई थी, सरकार ने वादा किया था, और इससे पहले MSP पर तो सरकार ने ट्रैक्टर बंद कर दो, आज आगुआ देखे
जहां तक घोल जिता मेरा लाशा चुके खड़ोगे ते तुसी पिछे रहो, कोई फर्क नहीं पैंदा। एक घोल साडे तो बाद जींदा होऊगा, जितांगे। तहम्मल रखो, विश्वास रखो।